नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पत्रकारों ने घेर लिया भोजपुरी के सुपरस्टार गायक सह अभिनेता खेसारी लाल यादव को। जब खेसारी लाल यादव से पत्रकार ने घेर कर सवाल किया कि पवन सिंह जो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसके विषय में आप क्या कहिएगा, तब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को ये कहा कि पवन सिंह हमारे बड़े भाई हैं और हम पूरी की पूरी शुभकामनाएं उनको देते हैं कि उन जिस तरीके से चुनाव लड़ने की खबर काराकाट से पवन सिंह की आई थी उसको लेकर पहले खेसारी लाल यादव ने शुभकामनाएं दी और साथ में उन्होंने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। पवन सिंह जी मैदान में उतरे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या कहेंगे? मैंने चुनाव करते हैं थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तो पहुंच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामनाएं जितने भी लोग हैं सब लोग जीते, सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें। जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हमको आगे जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखे बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ की वो जल्दी चार्टर सांसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएँ, हमारी जहाँ भी मदद करें उसके लिए। खेसारी जी, लगातार आप चुनाव को लेके ये बात कहते हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, इस बार 400 पार के बार बार नारे लग रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? राजनीति विषय है, वो 400 पार होगा कि 800 पार होगा वो नेताओं का विषय है। मेरा विषय है बिहार का विकास का। मैं अगर हम सभी मिलकर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास के लिए कोई दूसरा बात कर रहा है, क्योंकि मजबूर हम ही हैं, परेशान हम हैं, कोई नेता नहीं। नेता के बच्चे तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, नेता के बच्चे तो अच्छे एसी में रहते ही हैं, नेता के बच्चों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, उनका हेल्थ का भी इशू नहीं है। रीज़न है कि उनके पास पैसे हैं तो उनके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है नहीं। इशू हमारे भोजपुरी के बिहार के लोगों के लिए है जिनके पास रोज़गार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो रोज़गार मुझे लगता है कि हमें खुद ही कमाना पड़ेगा। हम किसी नेता से आशा करते हैं, हमारी ये गलती है कि हम किसी पे आश्रित हो जाते हैं। कोई भी आएगा बदलेगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ वादे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जनता को, बिहार की हर उस जनता को अपने बच्चों के लिए खुद ही खड़ा होना चाहिए। तेजस्वी यादव का है, इसके बाद क्या खेसारी भी मैदान में रहेंगे, चुनावी मैदान में क्या राजनीति में एंट्री करेंगे खेसारी जी? लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो मेरा भी कोई ज़्यादा है नहीं चुनाव लड़ने का और ना ही मैं चुनावी मुद्दे में हूँ। मेरा विषय सिर्फ ये है कि मजबूरी में उन लोगों का अलग विषय है, मेरा अलग विषय है कि मैं अपने भाषा को कहाँ लेके जाऊँ, अपने भाषा को कितना ऊपर लेके जाऊँ, सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो एक जिम्मेदारी बिहार की और भोजपुरी भाषा की है हमारे ऊपर, मैं उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मानते हैं पवन सिंह जी अगर जीतेंगे? लगातार सॉन्ग तो आ ही रहे हैं और एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है हमारा रणदी बसंती, जो कि बहुत बिग बजट की सिनेमा है और आज मल्टीप्लेक्स में हर जगह, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो इतनी बिग बजट की हो और दूसरा कि हर जगह मल्टीप्लेक्स में। आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अगर अपनी भाषा की चीज़ें अगर बड़ी लेवल पर आती हैं तो आप भी कोशिश करिए कि उसको पोस्ट करें और उसको लोगों तक पहुँचाने का काम क्या करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए आप प्रचार में जाएंगे? अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। आप मानते हैं कि यादव लगातार ये कहते हैं कि हम भी युवा हैं, खेसारी लाल यादव भी युवा हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को सपोर्ट कीजिएगा इस चुनाव में? देखिए, जिसका विचारधारा अच्छा होता है, बोलिए मत, मायने नहीं रखती, कोई नेता मायने नहीं रखता, मेरा संबंध मायने रखता है, उससे ऊपर हमारे बिहार का विकास अपने मायने और मेरे से भी बढ़कर हमारे बिहार की जनता है। तो मुझे लगता है कि हम सबसे ऊपर हमारी जनता है, जो उन्होंने मुझे बनाया है, तेजस्वी जी को बनाया है, चाहे जितने भी कलाकार हो या नेता हो, अभिनेता हो, जो भी हो, सबको हमारे जनता ने बनाया, तो हम सबसे ऊपर है जनता। तो जनता के बाद जो करेगा, जनता के विकास की बात जो करेगा, जो जनता के लिए करेगा उसके लिए मैं आशा करूँगा। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के गायक सह अभिनेता हैं, साफ तौर पर उन्होंने सबसे पहले शुभकामनाएं दी पवन सिंह को। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार पर बात करें, तेजस्वी यादव कहते हैं कि विकास पर बात करें, लेकिन उसके विषय में खेसारी लाल यादव सवाल से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि जो भी नारे लगते हैं 400 पार
800 पार उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उससे हमारी कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम राजनीति मुद्दे में नहीं है, हम राजनीतिक मैदान में नहीं है, इसलिए हम इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। साफ तौर पर हम समझ सकते हैं खेसारी लाल यादव सबसे पहले मुद्दे से बचते नजर आए, सवाल से बचते नजर आए, और उन्होंने अपने आप को कवर ये कह किया कि हम चुनाव में नहीं है तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और पवन सिंह जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कराकाट से, उसको लेकर उन्होंने शुभकामना दी। आपको याद होगा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो भी मतभेद रहा है, उस मतभेद से पर्दा उठता है तो दोबारा मतभेद शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा चलता है उससे भी आप वाकिफ होंगे ही। उसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जिन्होंने पवन सिंह को लेकर शुभकामनाएं दी, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि उन दोनों के बीच अभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, और पवन सिंह जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, उनको लेकर शुभकामनाएं दी खेसारी लाल यादव, और साथ में बहुत कुछ बातें गए वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।